हेलो जी, मैं हूं दीप। आज हम पेंट करेंगे पिल्लो कवर्स और उसमें करेंगे हम साइड फ्लावर पैटर्न और फ्लावर बनाएंगे हम रोज का। फ्लावर को मैंने कर लिया है ट्रेस, इसको करते हैं पेंट। उसमें हम सबसे पहले बनाएंगे लीव्स। मैंने लिए हैं दो कलर, लाइट ग्रीन कलर और गोल्डन येलो कलर। दो कलर को मिक्स करके हम पत्तियां बनाएंगे। एक साइड हम लगाएंगे ग्रीन कलर, हाफ तक हम ग्रीन कलर से फिल करेंगे। दूसरी साइड हम लेंगे येलो कलर और उसी तरह से साइड से हम आते आते मिक्स करते करते कलर ग्रीन के साथ मिक्स करेंगे। इस तरह से हम येलो कलर को लगाते लगाते ग्रीन कलर के साथ मिक्स कर देंगे। इसी तरह से हम सारी पत्तियां पेंट करेंगे। एक साइड ग्रीन लगाएंगे, उसको हाफ तक पेंट करेंगे, दूसरी साइड हम येलो कलर लगाएंगे और उसी तरह से हम पत्ती को पेंट करेंगे। किसी पत्ती में ग्रीन कलर ज़्यादा, किसी में येलो कलर ज़्यादा, इस तरह से बनाते जाएं तो लीव्स अच्छी लगेंगी। पहले पत्ती की आउटलाइन कर लीजिए ताकि कलर भरने में आसानी हो।
अब हम बनाएंगे रोज की पेटल्स। नीचे से स्टार्ट करेंगे, मींस के हम फ्लावर की बाहरी जो पेटल्स हैं उसको पहले पेंट करेंगे। मैंने लिया है पिंक कलर, जिसको हम डार्क पिंक भी बोलते हैं, हॉट पिंक भी बोलते हैं। उसके साथ मैंने इस तरह से पिंक कलर फिल किया पेटल के अंदर। नीचे की साइड मैंने व्हाइट कलर लगाया, उसको मैंने पिंक कलर के साथ मिक्स किया इस तरह से। किनारे पे मैं लगा रही हूँ मैरून कलर। आप कोई भी डार्क शेड लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं, रेड कलर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास मैरून कलर नहीं है। यहाँ पे हम ब्राउन कलर भी लगा सकते हैं। ये हम इसीलिए लगाते हैं जो थोड़ी सी पत्ती उभरी हुई नजर आए। इसी तरह से हमने सारी पेटल करनी है। मैंने लिया है राउंड ब्रश 3 नंबर। आप इसकी जगह पे 4 नंबर भी ले सकते हो, 5 नंबर भी ले सकते हो।
इसी तरह से मैंने बाहर की सारी पेटल्स फिल कर ली, पेंट कर ली हैं। अब हम अंदर की करेंगे। दो कलर लेंगे हम मेन, वाइट और पिंक कलर, और किनारे पे हम डार्क कलर लगाएंगे। आप ब्राउन लगाइए, मैरून लगाइए, रेड लगाइए, ब्लैक भी लगा सकते हैं। आपको भी ये फ्लावर अच्छा लगा, ये पैटर्न अच्छा लगा, आप इसी तरह से बनाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज फैब्रिक क्रिएशन से यही डिजाइन आप ले सकते हैं। उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, उसको ट्रेस कीजिए और उसको फिर पेंट कीजिए।
अब हम बनाएंगे बड्स, कलियां गुलाब की, दो शेड के साथ मैं मिक्स कर रही हूँ। पहले मैंने पिंक लगाया, उसके ऊपर मैं वाइट लगा रही हूँ। आप जैसे हमने पत्ती बनाई है उस तरह से भी बना सकते हो, हाफ पिंक लेके हाफ पत्ती वाइट लेके, उस तरह से भी इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। साइड पे ग्रीन कलर के साथ इस तरह से तीन डंडियों से इसको बड की लुक देंगे। अब मैंने लिया है डार्क ब्राउन कलर, उसके साथ मैं स्टेम्स बना रही हूँ, डंडियां। और पत्तियों के अंदर जो लाइंस हैं बारीक सी, वो भी मैं ब्राउन कलर के साथ लगा रही हूँ ताकि जो पत्तियों की लुक आए। ये देखिए हमारा गुलाब का फूल तैयार हो गया है, आप भी इसको घर पे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपने हमसे सीख के कोई भी पेंटिंग बनाई है, कोई भी डिज़ाइन बनाया है, तो आप हमारे साथ उस डिज़ाइन को ज़रूर शेयर कीजिए। हम फेसबुक पेज पे आपके नाम के साथ उस डिज़ाइन को डालेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बनी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल सके और आप पेंटिंग कर सकें।
जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।